नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड के अंतिम परिणाम के लिए प्रदर्शन, ग्रुप डी के बच्चों ने रेलवे के जो फाइनल रिजल्ट है उसके लिए धरना दिया था, उसी के बारे में ये न्यूज आर्टिकल है जो कि मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। इसमें देखिए दिया है, रेलवे के ग्रुप डी भर्ती के अंतिम परिणाम का महीनों से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने मंगलवार को RRB दफ्तर पर प्रदर्शन किया। अलग अलग राज्यों से आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन के पश्चात RRC चेयरमैन से मुलाकात की। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की ग्रुप डी भर्ती के लिए हजारों अभ्यर्थियों ने पिछले साल परीक्षा दी थी। 4,762 पद के सापेक्ष 14,000 से अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए। लिखित परीक्षा में सफल 8,000 अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा के तहत दौड़ लगाई। यह इलाहाबाद का सीट की बात हो रही है दोस्तों, पूरी सीट नहीं है, सिर्फ इलाहाबाद की बात हो रही है। फिजिकल टेस्ट के बाद प्रमाण पत्रों के सत्यापन और मेडिकल टेस्ट में 4,082 अभ्यर्थी आगे हुए। प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बाद पहले चरण में 3,254 और दूसरी बार में 61 अभ्यर्थियों की टेस्ट अभिक्रिया पूरी हो गई, लेकिन अब तक अंतिम परिणाम नहीं आया। अंतिम परिणाम का इंतजार करने वाले बाकी सभी परीक्षार्थियों ने प्रदर्शन के बाद RRC चेयरमैन विवेक प्रकाश झा से मुलाकात की। तो दोस्तों, जो फाइनल रिजल्ट है उसके लिए बच्चों ने धरना दिया और चेयरमैन ने भी कहा कि नवंबर के लास्ट तक परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कोई भी न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।